हिमाचल में सियासी पारा गरमाने लग गया है। इसी कड़ी में भाजपा दून के नेताओं ने स्थानीय कांग्रेस के विधायक व हिमाचल सरकार को शिलान्यास पत्रों के नाम पर राजनीति करने को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता व दून के भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार हंसराज चंदेल ने स्थानीय विधायक रामकुमार पर आरोप लगाया है कि कुछ परियोजनाएं ऐसी है जिनके निर्माण अभी भी अधर में लटके हुए हैं। भाजपा नेता व दून के भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार हंसराज चंदेल ने स्थानीय विधायक रामकुमार व हिमाचल सरकार को घेरते हुए कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में परियोजनाओं के शिलान्यास को किए हुए कई साल हो चुके हैं। कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके निर्माण कार्य अधर में लटके हुए और कुछ परियोजनाओं के ट्यूबवेल के ढक्कन लगाकर सरकार व स्थानीय विधायक शायद भूल गए हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। इस शिलान्यास को लगभग एक साल से ऊपर हो गया जिसका कोई काम अभी तक नहीं चला, जिससे यहाँ के लोगों को पानी के मतलब पीने के पानी की बहुत समस्या है। होने वाले चुनावों में चुनाव के लिए 4 या 5 महीने में चुनाव होने वाले हैं। इन झूठी घोषणाओं का खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। यहाँ से जैसे प्रदेश सरकार में पूरे हिमाचल में बीजेपी की लहर मतलब बनी हुई है, ऐसे यहाँ पर दून में भी हमने सबने इकट्ठे होकर कमल का फूल बनाना है, बीजेपी का विधायक यहाँ से बनाना है, ताकि जो रुके हुए काम हमारे हैं दून वासियों के सभी होंगे या और काम भी हम करेंगे। वहीं भाजपा नेता गोपाल नेगी ने स्थानीय विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर उनको पत्थर लगाने का इतना ही शौक है तो भाजपा वाले उनके घर पत्थर छोड़ देंगे। गोपाल नेगी ने विधायक रामकुमार को नसीहत देते हुए कहा कि वे क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दें। ये जो स्कीम है कैंथा चडियार की, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका करीबन 1.25 साल पहले 25 मार्च 2016 में उद्घाटन करके गए और करीबन 2 करोड़ 70 लाख की ये स्कीम है और यहाँ पे ट्यूबवेल इसका खुद चुका है और माननीय वीरभद्र जी इसका स्टोन भी लगा के गए और पब्लिक का पैसा लग चुका है। अभी इसका जहाँ तक धोन करने की बात है ये पैसा मिट्टी बन के रहा हुआ, तो मेरी सरकार से मांग है कि ये जो काम है इसको सिरे चढ़ा के कम से कम पब्लिक को इसको फायदा होना चाहिए ताकि सरकार के पैसे का सदुपयोग हो सके। ये 25 मार्च 2016 को श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन यहाँ पर ना तो पाइप बिछाया है, ना मकान बनाया है, ना बिजली का करंट है, कुछ भी नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये उद्घाटन किया गया है। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट।